यो सो हेलो सब गाइस, वेलकम बैक टू न्यू माइनक्राफ्ट गेम प्ले वीडियो। तो आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो लेके आपके लिए, और आप भी आ चुके हो हमारी वीडियो देखने के लिए, तो आपका बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है। तो आते हैं सारी बात छोड़ के एक मुद्दे की बात पे। इस वाली वीडियो में हम बहुत सारा काम करना है, जिसको मैं लाया हूँ अपने साथ में, मेरा भाई मॉडर्न ये साथ रहेगा, मेरी बहुत हेल्प करवाता है। जैसा कि आप देख रहे हो पिछली वीडियो में, मेरे ये साथ साथ रहता है और खाना सबसे ज्यादा खाता है और मरता इतनी बार है कि बहुत बार। तो एक बार मैंने इससे बोला मुझे भाई शील्ड दे दो, मैंने इससे नॉर्मल शील्ड मांगी, लेकिन इन्होंने मुझे कौन सी शील्ड बना के दी भाई, कुछ खतरनाक शील्ड बना के दी जिसे मैंने अब तक लगा रखी है। और भाई साहब ये कुछ जची रही है इस पे एनचेंटिंग होके नेदराइट के आर्मर पे, और मेरा भाई ये पता नहीं क्या मजे ले रहा है इनमें से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये जा रहा है क्या कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा विलेजरों के साथ। तो गाइस सारे बात छोड़ के मैं देख लेते हैं मेरे भाई ने सामान क्या क्या इकट्ठा कर रखा है। इस सामान को मैंने बहुत दिन से कह रखा है लेकिन ये इकट्ठा करके नहीं दे रहा। तो चलते हैं अब सारी बात छोड़ के अंदर की तरफ, देखते हैं अपने क्या क्या इकट्ठा करा है। और भाई तू हमारे साथ चल रहा है कि नहीं, आजा तू भी अंदर, तूने क्या क्या इकट्ठा करा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है। तो भाई साहब इनने क्या क्या कर रखा, तू भी सामान ले ले, अगर तुझे भी बनवाना है तो कुछ भाई हेल्प करवा दियो हमारी कुछ। तो गाइस ये हमारे साथ तैयार हो चुका है चलने के लिए, क्योंकि भाई आज इस वाली हम वीडियो में क्या बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं रेड फार्म, जो कि मेरे भाई मॉडर्न की मदद से बहुत जल्द ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे साथ साथ जब रहता है तो भाई काम बहुत ही आसान हो जाता है। और ये देखिए मुझे रेड स्टोन दे रहा है, पता नहीं किसने दे रहा है। और भाई बाहर आ जाओ और चल लेते हैं अपने सफर के पे, लंबा सफर नहीं है जो ज्यादा ही, हम अपने मॉब फार्म के पीछे बनाएंगे रेड फार्म ताकि ज्यादा दूर ना हो आसान। तो मेरा भाई बोल रहा है अब हम चलने के लिए रेडी हैं, लेकिन तू बहुत लेट आ रहा है, मैं क्या करूं भाई, मुझे थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है तेरा, कि कोई तुझे मॉब ना मार दे। तू भाई नकली आर्मर पहन के घूम रहा, और मैंने क्या पहन रखा मुझे कुछ नहीं पता। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे हम आ चुके हैं अपने रेड फार्म पे, और ये रेड फार्म का स्ट्रक्चर हमने पहले ही खड़ा कर दिया था, क्योंकि भाई वीडियो बहुत ही वीडियो जो बनाई थी हमने इसकी बनाने की वो करप्ट हो गई थी। और अब चलते हैं पूरी टाइम लैप्स में देख के, मजा लीजिए इस वीडियो का।
तो गाइस जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया होगा कि रेड होनी शुरू हो जाती है, लेकिन हमारी वीडियो में पता नहीं क्या है गाइस, फार्म में रेड ही नहीं होती। हमने विलेजर भी खड़ा कर रखा, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आती। तो गाइस अगली वीडियो में हम आपको रेड होके की दिखा देंगे। तो गाइस हमारा प्रोजेक्टर पता नहीं कहाँ कमी हो गई है, वो पता नहीं वीडियो में देखेंगे। तो गाइस ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।